डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करीब 2000 निवेशकों को 40 करोड़ रुपए से चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में दंपति सहित गिरोह के 4 लोगों को लोनावला से गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया है। गिरोह के सदस्यों में से अपने एक साथी को गोली मारकर मौत के घाट भी उतार दिया गया है। शनिवार को जिमखाना में हुई पत्र परिषद में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यह जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अन्य मामले में जेल में बंद सुपारी व्यापारी को जमानत और पुलिस की मदद दिलाने के नाम पर 30 लाख की वसूली के मामले में पुलिस ने करीब पूरी रकम जब्त कर ली है। बेलतरोड़ी थाने के एक पुलिसकर्मी की प्रकरण में संदिग्ध भूमिका होने से जांच की जा रही है। निवेशक मुख्य सूत्रधार आरोपी निशित महादेव वासनिक, उसकी पत्नी प्रगति वासनिक, आराधना नगर गजवन भोलेनाथ मुनगुने मूलतः चंद्रपुर जिले के भीसी वर्तमान में राजे रघुजी नगर और संदेश पंजाब लांजीवार गुड़ेगांव खदान कनहान निवासी है। आरोपियों ने ईथर ट्रेड एशिया नाम से ऑनलाइन कंपनी स्थापित की थी। उन्होंने डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से कम समय में ज्यादा लाभ कमाने का निवेशकों को झांसा दिया था। करीब 2000 से भी ज्यादा निवेशक उनसे जुड़ गए। उन्हें करीब 40 करोड़ से चूना लगाने के बाद आरोपी भाग गए थे। इस मामले में नीलेश मोहाड़ीकर बिनाकी मंगलवारी निवासी की शिकायत पर वर्ष 2021 में यशोधरा नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी वासिम भाग गया था। ठगी की रकम को लेकर गिरोह के सदस्यों का अपने ही साथी माधव पवार से विवाद हो गया। वह पासवर्ड बता नहीं रहा था। इससे आरोपियों को शक था कि माधव ठगी की रकम अपने ही खाते में ट्रांसफर कर खुद करोड़ों की रकम हथियाने की फिराक में था। इस कारण वासिम जिले के मालेगांव थाने की हद में पांधरी कुट्टे गांव में एक खेत में ले जाकर माधव की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके लिए माधव का नागपुर से अपहरण किया गया था। ये सर्व आरोपी विरुद्ध कार्रवाई करण्यात येईल। तसेच या प्रकरणात आरोपी विरुद्ध व्हायलेंट ऑफेन्सेस पण जुने आहे हे लक्षात घेऊन त्यामध्ये त्याचे गँग विरुद्ध MCOC ऍक्ट अंतर्गत कारवाई शक्य आहे का हे पण ॲडिशनल CPs तपासत आहे। नाही, एकच या एप्रिल 2021 यशोधरा नगर पोलीस स्टेशनमध्ये हे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। त्यावेळी अंदाजन 20 ते 25 फिर्यादी आमच्याकडे आले होते आणि त्यांचे सगळ्यांचे फिर्याद रेकॉर्डवर घेण्यात आलेली आहे आणि त्याचवेळी हे तपास EOW हस्तांतरित करण्यात आली होती। आरोपी मिळत नसल्यामुळे एका क्राईम ब्रांचचे टीम, डेडिकेटेड टीम आरोपी अटक करण्यासाठी लावण्यात आला होता आणि त्यांना ही गोष्टी ही आरोपी अटक करण्यामध्ये यश मिळालेले आहे। आम्ही सांगितले की मकुका लावण्याची पॉसिबिलिटी आम्ही एक्सप्लोर करत आहे। निशित ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए खुद को अमीर व्यक्ति दर्शाया। बड़े बड़े होटलों में फर्जी कंपनी के नाम से सेमिनार आयोजित किए जिसमें उसने कम समय दोगुना चौगुना निवेश की रकम पर लाभ होने का लालच दिया। आखिरी सेमिनार उसने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में आयोजित किया था। 31 मार्च 2021 से वह गिरोह के साथ फरार हो गया। 17 अप्रैल को निशित और उसके गिरोह के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। पुलिस आयुक्त ने आरोपियों की सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। टीम को 1,00,000 रुपए का इनाम शुक्रवार की रात 2 बजे आरोपियों के बंगले पर छापा मारा गया। 3 घंटे चली कार्रवाई में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था जिसमें कुछ लोग आरोपियों के परिवार के सदस्य हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा BCN न्यूज नागपुर।